इट्स वीकेंड, ये एक तो दिन शुरू होने का और ख़त्म होने का पता ही नहीं चलता, और फिर पूरा वीक गुजर जाता है और फिर हमें इंतज़ार वैसे वीकेंड का होता है। वीकेंड पे खूब जो है ना हम मज़े करते हैं, कभी आउटिंग पे, शॉपिंग पे निकल गए, कभी इधर उधर। सो अब तो आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बीच बारबेक्यू के लिए। असल में सऊदी अरब में, एक पहले मैं आपको बता दूँ, इतनी सर्दी नहीं होती। दूसरा, यम्बो में जब ज़्यादा ठंडी हवा चल रही होती है तब तो हम खैर बीच पे नहीं बैठ सकते, तो आज जो है ना वो हवा इतनी नहीं चल रही, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं बीच और बारबेक्यू कर लेते हैं। हमारी जो मेन अट्रैक्शन है यम्बो में वो बीच ही है, इसलिए फिर कभी फ्रेंड्स के साथ कभी वैसे ही कर लेते हैं पार्टी वगैरह, पिकनिक वगैरह। तो अभी भी बस हम लोग जा रहे हैं, बच्चे तैयार हैं, नीचे तैयार होती हूँ मैं भी। अब आया मैंने, देखे पकड़ा हुआ है, और बस पहनती हूँ फिर चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं उर्व? हाँ, आज चिंता नहीं जा रहे, डेली जाएंगे क्या? कहाँ जा रहे हैं? बीच जा रहे हैं, चलो कम ऑन लेट्स गो। देर हो रही है, कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो। आज मैंने ओपन शूज़ पहने क्योंकि वो उतारना और पहनना आसान हो जाता है, बैठना होता है ना, तो इसलिए। बीच पे मगरिब हो चुकी है, मगरिब की अजान आ रही है, चलो चलती जाए। टॉयज उठाए अपने? ओके चलो, बिल्कुल नॉर्मल वेदर है, हवा नहीं चल रही, ठंड नहीं है इतनी, तो हम लोग आराम से बैठ सकते हैं आज। चलो भाई चलो। काफी लोग आए हुए होते हैं दोनों तरफ जो है ना, वो रश ही रश है, कहीं भी जगह नहीं है पार्किंग की। इधर कुछ लग रही है ना यहाँ से? नहीं, ये भी फिल है, कोई जा रहा? हाँ ये एक है, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं। देखें काफी फैमिलीज आई हुई हैं, वीकेंड है तो फिर लोग जो है ना वो बीच की तरफ ही रुख करते हैं। हाँ, और हूरब ने अपनी जैकेट उतार दी, चलो ठीक है आओ आओ। काफ़ी ज़्यादा आज बीच पे रश है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें यहाँ पे जगह मिल गई है। इधर हम लोग हट में बैठेंगे, और यहाँ पे वैसे ट्रेंड है सऊदी अरब में, यहाँ बीच पे लोग जो है ना वो थर्सडे या फ्राइडे नाइट स्पेंड करते हैं, यहाँ सारी रात बैठे रहते हैं, कोई 3-4 बजे उठते होंगे यहाँ से। हम तो खैर जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे ये जो सऊदीज़ हैं वो काफ़ी देर स्टे करते हैं, कुछ लोग बारबेक्यू करते हैं, खाना खाते हैं, तो यहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो बस हम लोग यहाँ बैठे हैं, और इरफान जो है वो गाड़ी से मज़ीद सामान उठाने गए, तो यहाँ पे ये सारा हम बारबेक्यू का अपना सेटअप लगाएंगे, बारबेक्यू करेंगे और काफ़ी देर बैठे रहेंगे। ये लीव्स क्यों इकट्ठे कर रही हैं आप लोग हैं? ये क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? ओह, आईपैड के ऊपर बेटे, देखते भी आईपैड के ऊपर स्टेप कर लिया। चलो अच्छा, ये यहाँ से ले लो। हाँ पॉपकॉर्न से, चलो आप लोग ये अपना स्नैक एंजॉय करो। ओके ये देखें, सारे अपने अपने कामों में बिजी हो गए अपने अपने चिप्स के पैकेट पकड़ के, और फिर ये मोबाइल लेके बैठ गए। हाय उसेद, आज आपने वेव नहीं किया। हाँ क्या देख रही हैं? कौन सा एपिसोड है? ओके और इरफान वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं जी बारबेक्यू की। शुरू हो गया काम? हाथ काले हो जाते हैं ना देखिए ठंडी ठंडी हवा में जब आग जलती है तो कितना अच्छा लगता है ना।
वैसे इतनी ठंडी तो हवा नहीं है ना, नॉर्मल है, ज्यादा होती तो फिर बैठा भी नहीं जाता ना। साथ रखते जाए या बाद में रखें? बाद में, बाद में? बना लेना। इसको भी साथ में रखते जाएंगे। वैसे इसको इरफान पहले रख देते हैं आप। अच्छा, बारबेक्यू वैसे तो बाजार से मिल जाता है, बाहर भी अच्छा लगता है, लेकिन जो खुद बनाने का अलग मजा है, और खास तौर पे इस मौसम में। हाँ जी, थोड़ा सा खेलती फिर बैठ जाती है, मोबाइल उठा लेती है। हुरम हुर बेबी, हुर बेबी। क्या चीज, क्या चाहिए आपको? हुरम को कॉर्न चाहिए। ऐसे थोड़ी खाते हैं, पापा को दे दो। ओके ओके, ही देते। अभी तो ये बना ही नहीं है ना, पापा को तो बना के देंगे। ये लिपस्टिक नहीं है। अभी ये कॉल के साथ ये कोई स्माइली फेस बना रही थी हुरब फ्लोर पे। और आपने क्या बनाया हुआ है मीरव? दिस इज डैडी। डैडी का स्माइली फेस है। आपने मेरा नेम लिखा, लिखा SIDRA। वेरी गुड। चिकन जो है ना वो ग्रिल हो गई है, कुछ वहाँ पे अभी भी बन रही है, और बस अभी हम लोग खाना शुरू करते हैं। चले इरफान आ जाए, बाकी वो होता रहेगा। हाँ, ये इसमें राइस है, ये राइस है, रोटी भी है साथ में, तो बस अभी खाना एंजॉय करते हैं। चलो हुरब, उस तरफ को फेस करो ना। चलो बेटे आ जाओ, आओ भी आप, आ जाओ, कम ऑन। चिकन ग्रिल हो चुकी है, आ जाओ खाना खाते हैं। कम अब खाना खा लिया तो अब बारी है चाय की। आपको भी क्या पीनी है? हाँ नहीं, मैं इधर ये डाल रही हूँ पापा के लिए। ये हमने बारनी से लिए, तो फिर उसको हमने फ्लास्क में डाली। ओके गाइस, ये था आज का व्लॉग, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं, मत भूला करें। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।